हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। आज दुनिया की 90% आबादी ट्रेन से सफर करती है। ट्रेन ने लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि इसका इन्वेंशन आखिर किसने किया होगा। तो फ्रेंड्स, इन्वेंशन के इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की टिकट लेते हैं और बैठते हैं इस वीडियो में और जानते हैं ट्रेन के इंटरेस्टिंग इन्वेंशन के बारे में। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। RenderForce.com पहली बार ट्रेन की परिकल्पना 1604 में इंग्लैंड के वोल्टन में हुई थी, जब लकड़ी से बनाई गई पटरियों पर काट के डब्बों की शक्ल में तैयार किए गए ट्रेनों को घोड़ों ने खींचा था। 1804 में पहला स्टीम लोकोमोटिव रेलवे, जिसे पेंडेरन या फिर पेनवाइडेरन लोकोमोटिव के रूप में जाना जाता है, जिसे रिचर्ड त्रिवेथिक द्वारा बनाया गया था, जो कि मेरेथियर डायटफील्ड से एब्रिकेनन वेल्स तक लोहे का बना था। पहली ट्रेन में 10 टन लोहे का भार था। एक अवसर पर इसने 25 टन का सफल परीक्षण किया था। हालांकि लोकोमोटिव का वजन लगभग 5 टन था और लोहे की कई प्लेटों को इसने तोड़ दिया था। पूरी दुनिया में परिवहन के लिए किसी सस्ते और तेज गति के साधन की जरूरत कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। इसी क्रम में सबसे पहले जॉर्ज स्टीफनसन ने 1814 में भाप इंजन बनाया, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। पर यह ट्रेन नहीं खींच सकता था, ट्रेन तो रिचर्ड त्रिवेथिक के ही इंजन ने खींचा। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्कोटोन तक 59 किलोमीटर का सफर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। भारत में रेल की शुरुआत की स्टोरी अमेरिका के कपास की फसल की विफलता से जुड़ी हुई है, जहां 1840 के दशक में कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। इसी के कारण ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ा कारोबारियों को वैकल्पिक स्थान की तलाश करने पर विवश होना पड़ा। 1843 में लॉर्ड डलहौज ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाश करने की शुरुआत की और 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। भारत में रेल के संचालन में मद्रास के सिविल इंजीनियर एपी कोटन का महत्वपूर्ण योगदान है। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई के ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। एशिया में और भारत में प्रथम रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर अभी के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई। रेलवे के दस्तावेज के अनुसार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेल चली। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था, लोग बोरी बंदर की ओर बढ़ रहे थे और जहां गवर्नर के निजी बैंड से संगीत की मधुर धुन माहौल को खुशनुमा बना रही थी। 3:30 बजे से कुछ पहले ही 400 विशिष्ट लोग ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के 14 डिब्बों वाली गाड़ी में चढ़े। रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाग के यानी कि स्टीम इंजन सुल्तान, सिंधु और साहेब ने खींचा। 20 डिब्बों में 400 यात्रियों को लेकर यह गाड़ी रवाना हुई। इस रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफर 1.25 घंटे में तय किया और 4:45 पे ठाणे पहुंची। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनाना शुरू हुए। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज और फिर ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई। इसका नाम राजधानी एक्सप्रेस रखा गया। 15 नवंबर 1885 को दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर शुरू हुआ। 2003 में दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
को परीक्षण के लिए परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से चलाया गया। अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत इसलिए की थी 16 अप्रैल 1853 को अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए की थी, लेकिन 160 वर्ष बाद करीब 16 लाख कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन चलने वाली 11,000 ट्रेनों और 7,000 से अधिक स्टेशनों एवं करीब 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे आज देश की जीवन रेखा बन गई है। जो सफर 1853 को प्रारंभ हुआ था, वह अब विश्व में दूसरा और एशिया में पहला स्थान हो चुका है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा है। अगर हम भारत में फ्यूचर में आने वाली ट्रेनों के बारे में बात करें, तो पहली ट्रेन है बुलेट ट्रेन, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी, और दूसरी ट्रेन है हाइपर लूप, जो पुणे से मुंबई के बीच में और चलेगी। और आप ऊपर दिए गए पोल में और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि सबसे पहले आप इन दोनों ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन में सफर करना चाहेंगे, हाइपर लूप ट्रेन में या फिर बुलेट ट्रेन में। अगर ट्रेन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बात करूं, तो जापान की नई मैग्नेटिक लेविटेशन बुलेट ट्रेन अब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। मेगलेव ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो 22 अप्रैल 2015 में एक टेस्ट के दौरान पाया गया था, जो 2027 में फर्स्ट टाइम आम लोगों के लिए चलेगी। भारतीय रेलवे हर दिन 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। जापान में ट्रेन इतनी लंबी होती है कि 5 मिनट से अधिक की देरी पर यात्रियों के काम आए, इसलिए एक माफी और डिले सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब ट्रेन 1 घंटे या फिर अधिक की देरी से चल रही हो, तो यह ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन जाती है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है, जो 48 स्टेट को जोड़ने का काम करती है, जिसकी लेंथ लगभग 2,40,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी को 5 बार घेर सकती है, उतनी लंबी ट्रैक है। इन्वेंशन के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी सुझाव हो तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आजू बाजू जरूर सफाई रखें, और ऑनेस्ट बने और नियमों का पालन करें।